सो गाइस, उधर से आने के बाद मेरा पाँव में बहुत भयानक दर्द कर रहा था भाई, तो अभी थोड़ा दवा ले लिया एक दिन और अभी थोड़ा आराम लग रहा है। हाय गाइस बोलने के लिए तो जाते अंदर मॉल में और हाय गाइस बोल, अभी बोला है मामा। हमें कैसा लगा गुफा में आके भाई? अच्छा लगा। अभी रुके शिरडी का जूस पीने के लिए और ये हमारा ऑटो का सब इसके अंदर बैठे हैं। मैच चल रहा है और बीच में कटरीना कैफ का खेल रहा है। मम्मी कैसा लग रहा है? दो दिन से घूम घूम कर रही है। अच्छा लग रहा है। हिंदी में बोल, हिंदी में। अच्छा लग रहा है। हाँ तो मुंह उतार के क्यों बोल रही है? सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ, दूध आ रहा है, ये भी साथ में पेंशन दिया। धूप को जोरदार लगी हुई है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आज का व्लॉग घर से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये व्लॉग भाई रविवार सोमवार को स्टार्ट कर रहा हूँ। कल रविवार था, आज दुकान पे नहीं गया भाई कि जैसा कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा, आपने मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसी वजह से मैं चल नहीं पा रहा था, सीढ़ी बिल्कुल नहीं चल पा रहा हूँ। अभी भी लंगड़ा से लंगड़ाते हुए चल रहा हूँ। तो मामा ने बोला आराम कर, लेकिन मैं आराम करने के मूड में नहीं हूँ, घूमने जा रहा हूँ। तो जाते हैं वहाँ, पुआ क्या करके वहाँ सब लोग घूमने जा रहे हैं हम लोग साथ में, दिखाता हूँ। चलो आपको दर्द हो रहा है लेकिन क्या करें, कॉन्टेंट के लिए जाना पड़ रहा है, तो मैं नहीं जाता। फाइनली मम्मी ब्लॉग बना रहा हूँ साथ में, चलेगा ना? मम्मी आज रेडी है, आज ब्लॉग में आने में दिक्कत नहीं है, अभी हिंदी में बात करना ठीक है। बोल तो सही, क्या बोल? हाय गाइस तो बोल। हाय गाइस। अबे मैं मेरी माँ ले जा रहे वैष्णो देवी और आगे क्या बोलूं? और कुछ भी बोलो, वो देखो आगे कटरीना कैफ जा रही है और मेरी बुआ आ रही है पीछे से। भाई मेरे हाथ में देखो कुछ फर्क भी नहीं पड़ा दादा, फिर भी निकल रहा हूँ। मामा जब बोलेगा कि दुकान नहीं आया और घूमने चला गया। ये एक और आ गई कटरीना कैफ। बोल मैं आया था वापस घर में, ऑटो बैठ के दुपट्टा भूल गए थे। मेरी बहन बोलते हैं मुझको भी लेके जाओ, लेकिन अभी ऑटो में जगह नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है, तो तुम लोग सिर्फ चार लोग ही जा रहे हैं, फटाफट निकल रहे भाई। तो भाई जाते हो रास्ते में हमको अगोरा मॉल दिखा है, तो अभी हम लोग सीधा मॉल में घूमेंगे, क्योंकि अभी वैसे भी मंदिर नहीं खुलेगा। इनको बोलना नहीं पड़ा हाय गाइस बोलने के लिए। तो जाते अंदर मॉल में और हाय गाइस बोल, अभी बोले हैं मामा। दिखा अगोरा मॉल में हम आए हुए हैं। फिलहाल हम लोग आए हैं अगोरा मॉल में, नाम सुना है, जाएंगे फर्स्ट टाइम है, तो जाके देख के आते हैं कैसा है क्या है। तो गाइस मॉल में आते हो गए, लेकिन सीढ़ी चढ़ नहीं पा रहा, इतना पग दर्द हो रहा है ना, ये पग सीधा नहीं हो पा रहा है, इसके लिए सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो रही है। मस्त है सब, ये सब बहुत सुना अगोरा मॉल के बारे में। ये खड़े मेरे को क्या लगा, मेरे मोरी तो मेरे को खड़ा है बोलो मने वो लगे को भाई ऊपर। हां मने भी दूर थी वो लगे। ये कौन है पता है गाइस? विराट बादशाह की गली में आके बादशाह का पता नहीं पूछते, जैसे इनका नाम आपको क्या है पता होगा। कहां है लिफ्ट जी? नहीं आई ये है गाइस वो जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है भाई, लेकिन फिलहाल ये सब बंद है, पूरा सब गेमिंग का सब बंद है। अभी भी गेमिंग का सब बंद लगता है, सब में मतलब बंद किया हुआ है ये तो बंद सब। ना ना अंदर मत जा बोलेगा, इनको देखो अंदर जाके फोटो खींचे, इधर से खिंचवा लो फोटो। मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है, मैं आज से व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो भी मैं इस हद से नहीं कर सेल्फी से करूँगा व्लॉग। बाकी है मस्त लग रहा है सब ये, और मॉल भी पूरा मस्त है भाई। मेन तो हम लोगों को जिसे जाना है मंदिर, कौन से मंदिर जाना है मामा जी? वैष्णो देवी माता जी के मंदिर जाना है, और बीच में हम लोग इधर उधर, क्योंकि अभी बहुत गर्मी थी, 3 बज रहे थे और मंदिर वैसे भी 4:30-5 बजे खुलेगा, तब तक अभी हम लोग निकल के आधा घंटा बाकी होती। चलो फटाफट मिलते हो आपको ऑटो में जाके अभी डायरेक्ट, ठीक है? चलो टाटा। सो गाइस अभी हम लोग आए पानीपुरी खाने के लिए मॉल से निकल के, अभी सीधा निकलेंगे यहाँ से मंदिर के लिए, फटाफट आप खुद खा लेते हैं, तगड़ी वाली भूख लग रही थी। फाइनली गए मंदिर पर पहुँच गए। पग दुखे रही है, लागोड़ी मार, आ ला ला, पग में हरी लागी है। अरे बापू देखो धीरू लाइक
छोड़े तू ना आ बजा। चलो भाई एक तो पाँव में लगी हुई है और ऊपर से मुझे झुक झुक के चलना पड़ता है गुफा में। जय माता दी। मम्मी मेरी मासी को देखो घोड़ा में कैसे कैसे भाव हुआ। मम्मी कैसा लगा गुफा में आके भाई? अच्छा लगा, अच्छा लगा आपको भी? अच्छा लगा। ऐसा ये सब ओरिजिनल पेड़ है डुप्लीकेट? ये सब डुप्लीकेट पेड़ है सब। सब मान हाँ वैसे लकड़ी का होता है। अरे नहीं लेके कोई फाइन फोटो खींचने का ना बोला, वीडियो बनाने का थोड़ी ना बोला है। हाँ जा रहे थे और मेरा बहुत भयानक वाला दर्द कर रहा है, इतना खतरनाक दर्द कर रहा है कि बनाने की हालत में नहीं। शिरडी का जूस पीने के लिए और ये हमारा ऑटो है, सब इसके अंदर बैठे हैं। बराबर शिरडी का जूस बनाते हैं अंकल और पी के फिर आगे निकलते हैं और फिर जाएंगे डायरेक्ट। चल नहीं पा रहा ढंग से। सुबह उधर से घर पर आने के बाद मैं अभी आ चुका हूँ, अचानक से ब्लॉक चालू हो गया। उधर से मैं घर पर आया, आराम आराम किया, दवाई ववाई लगाई और अभी मैं आया उधर। हमारे मैदान में मैच हो रहा है हमारे यहाँ के सब लोगों का। ये देखो भाई ये पूरा मैच हो रहा है इधर, तो थोड़ा मैच देखने आए थे। रात का नाइट टूर्नामेंट, रात का नहीं, आधा इंग्ली आधा ही थे बीच में कटरीना के चल के जा रही है। कटरीना के इतना देख नहीं रहे लोगों को, बीच में चल के जा रहे हो भाई। आई और ये विकेट 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 उरे बापू चार जा रही है किसी की और। So guys, उधर से आने के बाद मेरा पाँव में बहुत भयानक दर्द कर रहा था भाई, तो अभी थोड़ा दवा लिया एक दिन और अभी थोड़ा आराम लग रहा है। साइकिल राइड पे निकले भाई क्योंकि साइकिल से एक्सरसाइज करने से थोड़ा पाँव में दर्द कम हो जाएगा। और कविराज कहाँ देख रहा? आगे देख, आगे आगे। तो कैसा लग रहा है कविराज बाइक से साइकिल पे आते हुए? जैसा कि गाइस अभी हम लोगों ने अपने मामा का जॉब छोड़ दिया था, वापस बाइक बंद हो गई है तो वापस हम लोग साइकिल पे आ गए। मजा आती है ना जी, साइकिल चलाने का अपना मजा है भाई। और कभी कुछ तो बोलो, पाँव मतलब दर्द तो कम हो गया लेकिन पाँव सीधा नहीं हो रहा है। पाँव सीधा नहीं होने की वजह से हमको चलने में दिक्कत होती है थोड़ा भाई, दर्द नहीं हो रहा है, सीधा नहीं हो रहा है पाँव। तो एक्सरसाइज करेंगे तब जाके सीधा होगा। इसका भी पाँव में लगी और मेरे को भी लगी है भाई, थोड़ा आगे तक जाते हैं फिर घर पे जाएंगे। सो गाइस फाइनली घर पे आ गए। तो जी का राइड करके कैसा लगा साइकिल राइड, मजा आया? मेरे को ये लोग लेके नहीं गए, तेरे पास साइकिल ही नहीं है, मेरे को पीछे में बिठा के लेके जा सकते थे। पीछे पीछे स्टैंड ही नहीं है बैठने का। हाँ थी लेकिन हमारा मूड नहीं था, हमारा भी प्लान नहीं था। हम दोनों के पाँव में लगी हुई है, देख तेरा पाँव दिखा था जी का, तेरे पाँव का घाव दिखा, घाव दिखा मेरा घाव था, मैंने दिखाया देख, अभी भी थोड़ा बहुत घाव दिख रहा है मेरा, तो मीठा नहीं है। तेरा घाव दिखा, दिल वाला घाव दिखा, दिल में जो घाव है वो घाव दिखा, तू दिखा। तेरे को किसने घाव दिया? पता नहीं, अभी तो कोई है नहीं। ये देखो भाई इसका आम फट गया। और ऋतु भी तैयार हो गई ना। तो आज इसकी मम्मी की एनिवर्सरी, आज तेरी मम्मी की कौन सी एनिवर्सरी है? वाओ ये पता भी नहीं, डोंट नो, आई डोंट नो। 22 23 है तो इसकी मम्मी मेरी हमारी मासी हम सबको लेके जा रही है होटल खाना खाना। अच्छा 15 साल तो मजा आएगा, ये सब आएगा तो तेरे को भारी पड़ेगा। तो फटाफट से नहाते हैं, जिगर नहाना है कि नहीं नहाना? तो फटाफट से नहाते हैं एंड कपड़े वपड़े एक्सचेंज करके फिर निकलते हैं। मैं तो नहा लिया है। हाँ इसने तो नहा लिया जा, अर्जु ये तो यार ये नहाता नहीं है। हाँ अर्जु मैं क्या बोलता हूँ, बहुत दिन से शायरी नहीं बोली, तूने कोई शायरी बोलना आज? शायरी हाँ, गम वाली शायरी है, गम वाली, दुखी वाली, ब्रेकअप वाली। क्या बोलता है? कैमरा बंद होने के बाद डायलॉग बोलता है यार। हाँ बोलते चल, टाइम पे आने वाले चले भी जाते, जिनको कुछ नहीं आता हमको समझाते, जिनकी फूल और काटे खिलाता कोई नहीं, सब अपने नसीब का खाते। अर्जु तू बोल, ये तो अच्छा नहीं था, मजा नहीं था, तू बोल।
So guys, मेरी मासी आ गई, इनकी एनिवर्सरी 22 भी है ना, 22 एनिवर्सरी है ना 12 साल इतना कम 10 साल आगे बढ़ा दिए गाइस, 10 साल इनकी लड़की ने बोला मेरे को तो भाई 22 साल का तो बुड्ढे हो जाएंगे तो अभी हम सब लोग जा रहे पार्टी करने के लिए, चलो जी रेडी हो जाओ फटाफट, चलो चड्डा वड्डा, चलो मैं भी रेडी हो गया, मैं भी रेडी हो गया। हम लोग आ गए फटाफट से नहा दो, पीछे दे दे ब्लॉग होने दे, नीचे जाओ पीछे बहुत आ रहा है, जीगा को खाना भी नहीं दे रहे, जीगा मजा आ रहा है तेरे को, अच्छा क्वालिटी भी अच्छी है, मजा आ गया ना, आप विजिट करना ही दे, किधर क्या नाम है, पानीपुरी.com पानीपुरी.com और ये पूरा काउंटर भर गया, ये है और ये है, अभी मेरा आगे आधे लोग से ज्यादा लाइन में खड़ा है उधर, मामा जी थैंक यू इधर लाने के लिए, आज हमें मानते से हाय गाइस ने थैंक यू बोला, ये नो स्मोकिंग, बीड़ी वीडी नहीं पीने का भाई, पता नहीं इधर रेस्टोरेंट में जो गाना बजा रहा है ना वो पता नहीं कैसे गाना बजा रहा है, ये कैसा गाना बजा रहा है, जैसे उसका नया नया ब्रेकअप हुआ हो ना ऐसा, अभी शायरी बोलने वाला था ना तो बोल दे, हाँ बोल, थोड़ा हंसते आके बोल, जिसके दांत नहीं होते उसे भोखा कहते हैं, जिसके दांत नहीं होते उसे भोखा कहते हैं, आजकल की लड़कियां आजकल की लड़कियां लड़कों को धोखा देती है, नहीं कुछ अलग हो गया तो भाई जो भी है मेरे को तो भूखा का मतलब पता है हिंदी में जिसके दांत नहीं होते उसको भूखा बोलते मारवाड़ी में, हाँ और हिंदी में पता नहीं क्या बोलते भाई भूखा को, जिसके दांत नहीं होते उसको ठीक है, और लड़कियां धोखा देती है ऐसा ना भाई, और मंदन तेरे को शायरी बोलनी है कुछ नहीं, तो सिर्फ खा ले तो भी सिर्फ खा ले भाई, हम लोग अनलिमिटेड समझ के अंदर आए और ये चेक करो इधर क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना, ये क्या लिखा है, सॉफ्ट ड्रिंक अनलिमिटेड में पूरा सब लिखा है, सॉफ्ट ड्रिंक और आइसक्रीम, और उनके साइड में लास्ट से लिखा है, लास्ट में छोटे अक्षर से लिखा है एक्स्ट्रा चार्ज तो तुझे कैसा लगा, बहुत अच्छा, नहीं मेरे को यहाँ पर कूदने को नहीं मिल रहा है बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, देखो सामने कितनी अच्छी होटल है, मम्मी कैसा लग रहा है, दो दिन से घूम घूम कर रही है, अच्छा लग रहा है, हिंदी में बोल, हिंदी में अच्छा लग रहा है, हाँ तो मुंह उतार के क्यों बोल रही है, और हेमा मासी मजा आया, ऐसे खड़ा छोड़ रहे थे कि नहीं अच्छा लगेगा ये सब हुआ, सो गाइस फाइनली व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, एंड तो आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।